What's up guys, welcome to another video. So now we are talking about one of the most famous open camera app. आपको इस app के अंदर क्या क्या features मिलते हैं, अपनी photo और video में किस तरह से आप इसे use कर सकते हैं. I know open camera app के ऊपर YouTube पर बहुत सारी आपको videos मिल जाएंगी, but ये एक full detailed video होने वाली है. आप किस तरह से secret settings कर सकते हैं, pro mode, expert mode या hidden features को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. इसके अलावा मोबाइल फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस आई कैड एंड स्क्रीन पर ऐड किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं. और अगर चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हो, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना. बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में, तो एक लाइक तो बनता है. तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर. तो यहाँ पर ओपन कैमरा ऐप के इंटरफेस की बात करें, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है किसी भी दूसरे कैमरा ऐप की तरह. एंड बॉटम से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. इसके साथ में आपको फास्ट शटर बटन मिल जाता है एंड इसके साथ में ही आपको वीडियो रिकॉर्ड बटन भी मिल जाता है. एंड यहाँ से आप वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो या मैक्रो लेंस में शिफ्ट कर सकते हैं. एंड इसके साथ में आप फ्रंट कैमरा भी ओपन कर सकते हैं. टॉप की बात करें तो यहाँ पर हमें एक्सपोजर को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है. इसके साथ में हमें एक्सपोजर कंपनसेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसे ईवी एक्सपोजर वैल्यू भी कहते हैं. यहाँ से आप ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. और इसके साथ में हमें पी डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर कुछ मोड्स मिलते हैं. सबसे टॉप पर आपको फ्लैश की सेटिंग मिल जाती है एंड इसके साथ में आपको फोकस मोड मिल जाता है. और इसके नीचे देखें तो फोटो मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्टैंडर्ड. और इसके साथ में हमें डी आर ओ करके एक ऑप्शन मिलता है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया. ये भी एच डी आर की तरह ही हाईलाइट एंड शेडो के अंदर डिटेल को रिकवर करने के लिए यूज होता है. बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर हम एक एच डी आर इमेज भी क्लिक करते हैं एंड दोनों को कंपेयर करके देखते हैं. सो ये एक बी आर ओ इमेज है और ये एक एच डी आर इमेज है. डिफरेंट आपके सामने है, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको डी आर ओ पसंद है या एच डी आर अच्छा लगा. और बाय द वे ओपन कैमरा ऐप के अलावा मैंने डी आर ओ ऑप्शन किसी दूसरे ऐप में नहीं देखा. इसके अलावा भी पैनोरामा और एक्सपोजर ब्रेकनिंग का ऑप्शन मिल जाता है. एक्सपोजर ब्रेकनिंग एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है और अगर आप चाहते हैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाओ कि एक्सपोजर ब्रेकनिंग किस तरह से काम करती है, इसे सारा मोबाइल के ऊपर कैसे प्रोसेस किया जाता है और एचडीआर और डीआरओ और एक्सपोजर ब्रेकनिंग में क्या फ़र्क है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा. और यहाँ पर आपको ऑटो लेवल ऑन करने का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा कैमरा रेजोल्यूशन को आप लो या हाई कर सकते हैं. सभी स्मार्टफोन के अंदर एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है. आप हमेशा 4:3 एस्पेक्ट रेशियो पे फोटो शूट करें, बिकॉज 4:3 एस्पेक्ट रेशियो आपके फुल कैमरा सेंसर रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है. इसके अलावा आप यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं और नीचे देखिए तो रिपीट करके एक ऑप्शन मिलता है, जो टाइम लैप्स के लिए यूज़ होता है. बेसिकली ये इंटरवेलोमीटर की तरह ही काम करता है. यहाँ पर आप अनलिमिटेड इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं जस्ट इन वन क्लिक. और यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस मिल जाती हैं, जो फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन में बहुत हेल्प करती हैं. इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइट बैलेंस की सेटिंग मिल जाती है. आप अपनी इमेज के हिसाब से, सीन के हिसाब से कलर टोन सेट कर सकते हैं. और लास्ट में आपको कुछ कलर इफेक्ट मिल जाते हैं. और अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं, फेस डिटेक्शन ऑन या ऑफ कर सकते हैं. ऑन स्क्रीन कैमरा पर कुछ आइकन, यहाँ से आप जाकर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. इसके अलावा भी आपको कुछ नीचे और ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसे टिक करके आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं. इसके अलावा फोटो सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन, इमेज सेटिंग, इमेज फॉर्मेट और एच डी आर टोन मैपिंग, एच डी आर कंट्रास्ट, सभी फोटो मोड के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं. तो अब बात करते हैं सीक्रेट सेटिंग की. ओपन कैमरा ऐप के अंदर आप किस तरह एक्सपर्ट और प्रो मोड एक्टिवेट कर सकते हैं और हिडन फीचर्स को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं. यहाँ से आपने सेटिंग में चले जाना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है. स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कैमरा एपीआई पे टैप करना है एंड यहाँ से ओपन कैमरा को कैमरा टू एपीआई पे सेट कर देना है.
यहाँ ओपन कैमरा ऐप के अंदर प्रो या एक्सपर्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, एंड सेटिंग से फोटो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉ फॉर्मेट एक्टिवेट हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप DNG फाइल्स के अंदर फोटो शूट कर सकते हैं, रॉ कॉपी सेव कर सकते हैं। सेटिंग से वापस आना है और EV पर टैप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो मोड इनेबल हो चुका है। यहाँ पर शटर स्पीड और ISO को आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। शटर स्पीड की रेंज 11 सेकेंड एंड ISO की रेंज 800 मिलती है। डिपेंड ऑन योर डिवाइस कि आपकी डिवाइस कितना सपोर्ट करती है। इसके अलावा 3 डॉट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, आप मैनुअली फोकस भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग पे जाएंगे और कैमरा प्रीव्यू पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ से आप फोकस पीकिंग भी ऑन कर सकते हैं और फोकस पीकिंग का जो कलर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फोकस पीकिंग एक बहुत यूजफुल फीचर होता है। फ्रेम में सब्जेक्ट को फोकस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फ्रेम में जितना भी एरिया आप रेड रेड देख रहे हैं इसका मतलब ये एरिया फोकस में है। यहाँ पर एक फोटो क्लिक करते हैं और ये इमेज में आप डिटेल भी देख सकते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है एकदम क्लियर और शार्प है। इसके अलावा फोटो मोड में नॉइज रिडक्शन एंड फास्ट बर्स्ट मोड मिल जाता है जो अगेन सच में बहुत फास्ट है, आप एक्शन या मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको फोकस ब्राइटनिंग का एक मोड मिल जाता है जिसपे आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अलग अलग फोकस कर सकते हैं। यहाँ ओपन कैमरा ऐप 2 या 3 फ्रेम कैप्चर करेगा, फिर आप किसी लैपटॉप या PC में फोकस स्टैगिंग ऐप के थ्रू एडिट कर सकते हैं। मोबाइल के लिए आप स्नैपशीट यूज कर सकते हैं और स्नैपशीट में जो टूल मिलता है डबल एक्सपोजर, उसमें आप इसको एडिट कर सकते हैं, स्टैग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक बिगिनर हो, आपको प्रो मोड यूज करना नहीं आता, तो यहाँ पर आपको एक सीन मोड मिल जाता है। यहाँ पर आप जिस टाइप की फोटोज कैप्चर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक्शन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, डाइट और थिएटर, बीच, हर टाइप की सीन टाइप की जो सेटिंग्स है यहाँ ऑटोमेटिक कैमरा सेट कर देता है। बस आपने सीन को सिलेक्ट करना है एंड अपनी जो फोटो है उसे कैप्चर कर लेना है। फोटो मोड की बात, अगर वीडियो मोड की बात करें तो आप वीडियो में भी सभी तरह के मैनुअल कंट्रोल, ISO, शटर स्पीड और मैनुअल फोकस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो सेटिंग्स पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 4K रेजोल्यूशन, OIS की सेटिंग मिल जाती है, वीडियो फॉर्मेट की सेटिंग मिल जाती है, डिपेंड ऑन योर डिवाइस आपकी डिवाइस कितना सपोर्ट करती है। स्क्रॉल ऑन करेंगे यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो सोर्स की सेटिंग मिल जाती है, इंटरनल माइक यूज करते हैं, एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं, आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा वीडियो बिटरेट की सेटिंग मिल जाती है, आप वीडियो बिटरेट यूज कर सकते हैं, जितने ज्यादा वीडियो बिटरेट यूज करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो की होगी, बट यहाँ पर मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। इसके अलावा फ्रेम रेट FPS की सेटिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, डिपेंड ऑन योर डिवाइस आपकी डिवाइस कितना सपोर्ट करती है। तो ये थी ओपन कैमरा ऐप पर एक फुल डिटेल वीडियो, आपको ओपन कैमरा ऐप में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या टूल्स मिलते हैं और ओपन कैमरा ऐप आप किस तरह यूज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। See you in next video.